नमस्कार दोस्तों, एप्पल पहली ऐसी अमेरिकी कंपनी है जिसका मार्केट वैल्यूएशन 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 2 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। सिर्फ 2 साल में कंपनी का मार्केट वैल्यू 2 गुना हो गया है। एप्पल ने पिछले 10 साल में 13 गुना रिटर्न दिया है। और भारत की भी टॉप कंपनी के बारे में हम बात करेंगे कि भारत की टॉप कंपनी ने कितना गुना रिटर्न दिया है पिछले 10 साल में। इस लिस्ट पर पहला नंबर है भारत की दिग्गज कंपनी RIL मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसने पिछले 10 साल में 322% का रिटर्न दिया है। अगस्त 2010 में इस शेयर का भाव 494 रुपये था, जो अभी 2086 रुपये चल रहा है। इसकी 52 वीक हाई लो की बात करें तो इसका 52 वीक हाई 2199 का है और इसका 52 वीक लो 875 रुपये का है। इसका मार्केट कैप की बात करें तो 13 लाख करोड़ के ऊपर का इसका मार्केट वैल्यू है। इस लिस्ट पर सेकेंड कंपनी है TCS। इसका पिछले 10 साल का रिटर्न की बात करें तो 418% का रिटर्न है। इसका अगस्त 2010 में 434 रुपये का भाव था, अभी इसका करेंट प्राइस 2249 रुपये चल रहा है। और जो इसकी 52 वीक हाई लो की बात करें तो 2358 रुपये का इसका हाई है और 52 वीक लो इसका 1506 रुपये का है। इसका मार्केट कैप 8.5 लाख करोड़ का है। इस लिस्ट पे तीसरे नंबर पे है HDFC बैंक। HDFC बैंक ने पिछले 10 साल में 386% रिटर्न दिया है। इसका प्राइस 2010 अगस्त में 223 रुपये का था, जो करेंट प्राइस अभी 1085 रुपये चल रहा है। इसकी 52 वीक हाई लो की बात करें तो इसका 52 वीक लो 739 रुपये का था और इसका 52 वीक हाई 1306 रुपये का है। इसका भी मार्केट के 5.5 लाख करोड़ के ऊपर का है। इस लिस्ट में चौथा नाम है HUL मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसने पिछले 10 साल में 719% का रिटर्न दिया है। इसका भाव 2010 अगस्त में 269 रुपये का था, इसका करंट प्राइस अभी 2202 रुपये चल रहा है। जो इसके 52 वीक हाई लो की बात करें तो इसका 52 वीक हाई 2614 रुपये का है और इसका 52 वीक लो 1650 रुपये का है। इसका मार्केट कैप 5.13 लाख करोड़ है। इस लिस्ट में पांचवा नाम है इन्फोसिस। हाँ, भारत की आईटी दिग्गज इन्फोसिस। इसने 10 साल में 174% का रिटर्न दिया है। इसका शेयर भाव 2010 अगस्त में 347 रुपये का था, जो करेंट प्राइस 948 रुपये चल रहा है। और इसका जो 52 वीक हाई लो की बात करें तो 52 वीक लो इसका 509 रुपये का था और इसका 52 वीक हाई 986 रुपये का है। इसकी मार्केट कैप की बात करें तो 4 लाख करोड़ के ऊपर है। अगर हम अमेरिका की दिग्गज कंपनी एप्पल की बात करें तो पिछले 10 साल में इसने करीबन 1300 गुना का रिटर्न दिया है। वहीं 5 साल में सेल का रिटर्न करीबन 4.5 गुना रहा। इस लिहाज से अगर किसी व्यक्ति ने 10 साल पहले 1,000 डॉलर का निवेश किया होता तो उसका पैसा बढ़कर आज 13,000 डॉलर के आसपास दिखता। तो भारत की दिग्गज कंपनियों से एप्पल का रिटर्न बहुत ही ज़्यादा है। हमने जो 5 दिग्गज कंपनी के बारे में बताया तो उसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न HUL का है और सबसे कम रिटर्न आपका इन्फोसिस का है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करें और हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।